देन अब हम बात करने वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जोसा काउंसलिंग। अगर आप स्पेसिफिकली IIT में आपको अगर कोई सीट मिली है, देन फर्स्ट वन इज प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर, देन टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन कैंडिडेट अंडरटेकिंग फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ओरिजिनल JEE एडवांस एडमिट कार्ड। अगर आप किसी IIT में आपको अगर कोई सीट मिली है तो वहाँ पर आपको अपना JEE एडवांस का एडमिट कार्ड अटैच करना है, प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, देन क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन द पेज नंबर 92। आपको जो जोसा काउंसलिंग में मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना है ये आपको जोसा काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन बुकलेट में 92 पेज नंबर मिल जाएगा। बुकलेट की PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज पासपोर्ट फॉर द फॉरेन नेशनल कैंडिडेट। अगर कोई इंडियन कैंडिडेट बाहर फॉरेन में है तो उसे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना पासपोर्ट अटैच करना होगा। द नेक्स्ट वन इज DS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल एंड रजिस्ट्रेशन कम फील्ड चॉइसेस। जो भी आपने जोसा काउंसलिंग में चॉइसेस फिल्ड किए हैं आपको इसमें अटैच करने हैं। तो इस वीडियो में अब तक हमने बात की कि आपको जैक काउंसलिंग में जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और बाय द चांस अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर भी देते हैं तो आपको वहाँ पर 2-3 घंटे में उसे अरेंज करना होगा। अगर आप अरेंज कर लेते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।